हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हरे कृष्णा और गुड मॉर्निंग। सो आप सबको आज विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विवाह पंचमी इज बेसिकली इस दिन सीताराम जी का विवाह हुआ था, मतलब चारों भाइयों का विवाह हुआ था आज के दिन। तो आज के दिन शादियाँ भी बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने अपनी बातें भी सुन रही थी कि बारातों की आवाज़ें आ रही थी। तो आज के दिन शादियाँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज बांके बिहारी जी का भी प्राकट्य दिवस है, तो आज बांके बिहारी जी का भी प्राकट्य हुआ था। तो आप सबको उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं क्लास के लिए। तो क्लास के लिए निकलूँगा थोड़ी देर में, और अपने जो सर्दियों वाले कपड़े वो निकाल लिया मैंने, तो अभी बस डालने शुरू कर दिया। देखो सुबह सुबह अभी मैंने जैकेट डाल रखी है, तो क्योंकि ठंड लग रही है, अभी ठंड हो गई है थोड़ी थोड़ी, तो ठंड से बचने के लिए सब करना पड़ता है। और आप सबको पता है मैं बीमार कितनी जल्दी हो जाता है, और मुझे कोल्ड कितनी जल्दी हो जाता है। कोल्ड तो मुझे बहुत जल्दी हो जाता है, गर्मी हो या सर्दी हो मुझे कोल्ड होता ही होता है हमेशा। और बस ये सब है, और कुछ तो कोई प्लान है नहीं। आज मेरा क्लास के लिए जाना है, और क्लास में जाके फिर डांस करना और क्या करना है। बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा करने के लिए। कुछ होगा तो मैं सोचता हूँ, सोचता कुछ है क्या। नहीं नहीं कुछ नहीं है आज। हाँ सच में कढ़ी चावल बनाने वाला, रात को मज़ा आने वाला है खाने में। आफ्टर सो लोग टेस्टी खाना बनेगा, टेस्टी खाना बनेगा नहीं बनेगा वो तो देखेंगे, क्योंकि वैसे आज कढ़ी चावल बनाने वाला, तो उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आई लव कढ़ी चावल। मम्मी के हाथ के तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। बाकी अभी घर पे कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे ये देखता हूँ आज। तो बताओ किस किस को कढ़ी चावल पसंद है आप सब में से? मुझे बहुत पसंद है, ऑलमोस्ट सभी को पसंद होता है। बाकी आप सब लोग भी बता देना कि आप सब लोग किस किस को पसंद है कढ़ी चावल। तो मिलता आप सबको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, सॉरी, मिलता हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, तो आई एम रेडी। तो फाइनली सर्दी के कपड़े निकल चुके हैं एंड हुडीज निकल चुकी है मेरी। सो आई एम वेयरिंग दिस हुडी, एंड पता नहीं बाहर जाके गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी, कुछ नहीं पता मेरे को भी। तो देखते हैं बाहर जाके, आज फर्स्ट टाइम ये हुडी वगैरह डाल के निकल रहा हूँ मैं बाहर, तो लेट्स सी कैसा रहता है कैसा नहीं रहता। एंड बस आज सोच रहा हूँ कि टाइम से पहुँच जाऊँगा तो जाके प्रैक्टिस कर लूँगा। और आप सबको प्रैक्टिस वीडियो कैसे लगे मेरी तो बता देना प्लीज़। एंड मैं नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने वीडियो बना ली, तो सोच चलो कंटेंट में डाल दूंगा। तो दैट्स अ माय प्रैक्टिस वीडियो, जिसमें ना मेरी अरमंडी है, ना मेरी एक्सप्रेशन है, ना मेरा अभिनय पार्ट है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही वीडियो डाल दी उठा के। तो बाकी मिलता आप सबको मैं नीचे जाके, तब तक के लिए बाय। एंड आई होप सो आप सब लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए होंगे। तो मिलता हूँ नीचे जाके, तब तक के लिए बाय। जाके घर आके कपड़े भी समेटने हैं, ये सारे मैंने धोए थे कपड़े। मैं निकल चुका हूँ घर से, तो बस ही रास्ते में, तो मिलता हूँ आपको भी मैं। हाँ मिलूँगा भी, हाँ कुछ भी होगा रास्ते में तो आप सबके साथ बताऊँगा, शेयर भी करूँगा। एंड मेरी बीयर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं सोच रहा हूँ और ज़्यादा बढ़ाऊँ। क्या आज क्या चल रहा था, बीयर्ड वाला नवंबर चल रहा था ना समथिंग, कुछ वही फॉलो कर रहा हूँ मैं भी। तो हाँ मिलता आप सबको थोड़ी देर में, तब तक लगा बस। गाइस तो भी बस मैं कैसे तैसे करके बस मिल गया मेरे को, तो मैं पहुँच जाऊँ भी, क्योंकि आज पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक भी था, बस भी नहीं मिल रही थी। तो फिर भी टाइम पे पहुँच गया हूँ मैं रास्ते में, एंड फिर से वही रास्ता है। देखो मेरे ऊपर किस सन सन की रेज पड़ रही है ऊपर, और अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ठंडा भी है, गर्म भी है, थोड़ा भी फील हो रहा है। एंड थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रही थी मेरे को अभी ये कपड़े डाले, तो रात को जाते हुए ठीक लगेगा, अभी गर्मी कोई बात नहीं सहन कर लेंगे, रात के टाइम ठंड हो जाती है, तो इसलिए। तो अभी आप सबको मिलता मेरा अटैले में जाने के बाद, तब देख लो बाय। दिन ना मेरा चलना ही नहीं है, सुबह से लेकर अभी तक चल ही रहा हूँ, चल ही रहा हूँ, चले जाऊँ, नॉन स्टॉप चल रहा है। पहले ऑटो नहीं मिला था, तब आधे रास्ते चल के जाना पड़ा मुझे बस स्टैंड तक, अभी भी फिर से बस नहीं निकली, फिर बस के बाद फिर से चल के जाना पड़ा, अभी मैं आधे घंटे तक ऑटो नहीं मिल रहा है। आज तो दिमाग ख़राब होगा मेरा, इतना चलाऊँ इतना चलाऊँ इतना चलाऊँ कहीं पता, तो आज मैंने बनाई है कढ़ी, जो कि अभी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है। दिखाता हूँ आप सबको कढ़ी कैसे बनी है। कढ़ी जो कि ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, धुएं के कारण आप सबको दिख नहीं रहा होगा। कैसे दिखाऊँ, इसका कलर भी नहीं दिख रहा कुछ आपको। बस बन रही है, उबल रही है, सब कुछ हो चुका है, बस इसको उबाला ही दिलाना है। और वहाँ मेरे राइस कुक होने के लिए रख दिए गए हैं पे ही है। तो कढ़ी चावल का प्रसाद हम ऑलमोस्ट रेडी है, जो काम आज
खड़ा खड़ा बना रहा हूँ तो और ज़्यादा थकान हो रही है। वैसे भी मैं खाऊंगा, बस खाना बन जाए, भोग ऑफर होगा तो उसके बाद मैं टूट पड़ूंगा खाने पे और फिर लेट जाऊंगा आराम से। अरे बर्तन भी धोने, अभी जो मतलब जो यूज़ किया है वो तो मैंने धो लिया है, जो खाना खाऊंगा ना वो वाले तो मिलता थोड़ी देर में, तब तक क्या पता है। भोग ऑफर हो चुका है एंड रही मेरी कड़ी। सो इसमें बेसिकली कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ जीरे का तड़का लगा हुआ और मिर्ची है, हरी मिर्ची, दैट्स इट। और कुछ नहीं डाला मैंने एक्स्ट्रा इसमें। एंड लेट्स सी, देखते हैं कैसी बनी होगी, कैसे नहीं बनी होगी, तो खा के बताता हूँ। भगवान का प्रसाद बन चुका है तो अच्छी तो होगी ना। एंड लेट्स सी इसे मिक्स कर रहा हूँ, बस मिक्स करके मिलता हूँ आप सबसे। सो मिक्स हो गया तो देख, माय गुडनेस वट अ कड़ी। परफेक्ट बनी है यार, मस्त बनी है, मज़ा आ गया खा गया। मैं मुझे खाने दो, इन्जॉय कर लो। तो यार कड़ी चावल खाने का इतने दिन से मिलता है, मैं खा रहा हूँ तो मिलता हूँ कड़ी चावल खाने के बाद। तब तक के लिए बाय, इन्जॉय करने दो, नींद मत लगाना मेरी कड़ी को, बाय। तो गाइज आज के लिए बच क्या बोलूँ मैं, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज द गेट ब्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो मिलते हैं कल को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा। और मैंने पेट भर के खाना खा लिया, बहुत टेस्टी बना था, और मिलता आप सबको भी कल को, तब तक के लिए बाय।